अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अदर क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट का सेक्शन जो है उसको कैसे फिल किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस हमने ऐड करने होते हैं, कौन सी डिटेल्स ऐड करनी होती है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे गैलरी के अंदर जो सी हमने वीडियो डालनी है और पिक्चर यूज़ करनी है वो देखेंगे, और फिर उसके बाद हम पब्लिश कर देंगे पहली गेज। सो लेट्स जंप इनटू आवर पीसी और लेट्स सी के हमने रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन के अंदर क्या लिखना होता है। सो हियर वी आर ऑन द पीसी और लेट्स सी के हमने रिक्वायरमेंट के अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। आई हैव रिटन व्हाट इज़ योर गुड नेम प्लीज़। दिस इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन। आप अपने बायर के साथ फ्रैंक हो सकते हैं, उसके साथ एक फ्रेंडशिप टाइप का एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। आप एक मिसाल ले सकते हैं कि लाइक अगर आप कोई स्टोर के अंदर जाते हैं और आप उसी स्टोर के पास जाते हैं, उसी शॉपकीपर के पास जाते हैं जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होती है, जो आपको इज़्ज़त के साथ आपके साथ इज़्ज़त के साथ बात करता है, जो आपको रिस्पेक्ट के साथ साथ फ्रेंडशिप है उसके साथ, तो आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे मैं बार बार उसी सेलर के पास जाऊं और उसी से अपनी चीज़ें जो हैं वो बाय करूं। सेम इज़ द केस ऑन द फाइबर एज़ वेल। आपने कोशिश करनी है कि आप अपने बायर के साथ फ्रेंडली रहें उसके साथ। तो लेट्स सी कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर गुड नेम। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, इसके अंदर सिर्फ चीज़ लिख देते हैं लाइक इफ़ आई एम अ वीडियो एडिटर, तो अगर मैंने लोगो एनिमेशन बनानी है सो आई जस्ट राइट ओवर हियर के प्लीज़ गिव मी द लोगो इन AI या PSD फाइल, दैट्स ऑल। बस ज़्यादातर लोग सिर्फ यही लिखते हैं और नथिंग एल्स। लेकिन इसके अंदर ये वाली चीज़ें जो सी मैं आपको बताऊँगा ये ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड होगा बायर के साथ, और बायर भी कंसर्न होगा कि हाँ यार ये बंदा जौन सा है ये डीप डाउन जा रहा है ताकि वो इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से समझ सके और फिर उसके ऊपर वर्किंग कर सके। सो मैंने पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है व्हाट इज़ योर गुड नेम। मैं बायर से उसका नाम पूछ रहा हूँ। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बिजनेस। अगर उसका कोई बिजनेस है जिसके लिए उसने लोगो बनवाना है या लोगो एनिमेशन बनवानी है या इंट्रो बनवाना है या कोई वीडियो बनवानी है, कोई भी चीज़ है, आइदर इट इज़ फॉर द बिजनेस और इंडिविजुअल, सो आई एम आस्किंग कि वो इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस का नाम क्या है। वेयर डज़ योर बिजनेस एग्जिस्ट मीन्स विच कंट्री डज इट एग्जिस्ट और वेयर डू यू एग्जिस्ट। सो इट इज़ रियली गुड क्वेश्चन। आप उससे पूछें कि आप किस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई हैव एडेड इज प्लीज़ शेयर योर बिजनेस सोशल मीडिया लिंक्स इफ़ एनी। व्हाट डज दिस मीन। अगर आपका बिजनेस है पहले हमने उनसे पूछा कि उसका नाम क्या है, वेयर डज इट एग्जिस्ट, और फिर मैंने उससे पूछा कि अगर आपके बिजनेस का कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो प्लीज़ लेट मी नो कि उसके अगर कोई लिंक्स हैं तो प्लीज़ शेयर दोज लिंक्स, सो दैट कि मैं आपके सोशल मीडिया पे जाके आपका अकाउंट या प्लेटफॉर्म जो सा उसको स्टडी कर सकूं और उसको देख सकूं कि आपका जो सा प्लेटफॉर्म है या आपका जो सा सोशल मीडिया का पेज है वो किस तरह मैनेज हो रहा है पहले, और उसके ऊपर किस तरह कॉन्टेंट यूज़ हो रहा है, और मैं कलर स्कीम्स वगैरह देख सकूँ। मूविंग ऑन, इट इज़ गोइंग टू हैव रियली ग्रेट हेल्प फॉर यू। इट इज़ गोइंग टू बी रियली ग्रेट हेल्प फॉर यू कि आप अगर कोई भी अगर लोगो बनाना चाहते हैं या राइटिंग करना चाहते हैं या एनिमेशन करना चाहते हैं तो आप इधर ये वाले क्वेश्चन जो उनसे हैं इनको यूज़ करके काफ़ी क्रिएटिव और अच्छी प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं, अच्छा आउटकम उसको दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज डू यू हैव एनी कंपेटिटर। इट इज़ रियली गुड क्वेश्चन। अगर मैं कहता हूँ कि आपका बिजनेस किस जगह पे, उसने बता दिया इस जगह पे है, डज इट हैव एनी सोशल मीडिया प्लीज़ लेट मी नो, उसके सोशल मीडियाज पता चल गए, उसके लिंक्स से मुझे सोशल मीडिया पता चल गया। आफ्टर दैट क्या है कि जी डू यू हैव एनी कॉम्पिटिटर। अगर आपके कोई कॉम्पिटिटर है तो मैं उसके हिसाब से उस लेवल का एक ऐसा इंट्रो बनाऊँ ताकि हम उससे ऊपर थोड़ा सा रह सकें। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपको उसके कॉम्पिटिटर का पता हो। अगर उसका है वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप सोशल मीडिया से उसका कॉम्पिटिटर फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर उसके सोशल मीडिया भी नहीं है तो जस्ट गो फॉर द आइडिया जो कि बायर का है वो किस तरह चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर यू वॉन्ट टू अपलोड दिस इंट्रो एनिमेशन एंड वट डायमेंशन ऑफ वीडियो यू रिक्वायर। मीन्स इफ़ यू वॉन्ट टू अपलोड दिस इंट्रो वीडियोज़ और एनी थिंग लाइक दैट, अगर कोई मेन वीडियो और उसके स्टार्ट के अंदर इंट्रो लगाना है, सो वेयर डू यू वॉन्ट टू अपलोड, आइदर ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। सो एवरी थ्री प्लेटफॉर्म्स हैव डिफरेंट डायमेंशन फॉर द वीडियो। सो मैं उससे पूछ रहा हूँ कि यार अगर आपने इंस्टा पे लगाना है सो आई विल बी मेकिंग अ स्क्वायर वन,
अगर आपने फेसबुक पे लगाना है, आई विल बी मेकिंग अ लैंडस्केप वन, और फिर उसके बाद अगर ट्विटर पे लगाना है तो मैं ट्विटर के डायमेंशंस के हिसाब से इंट्रो बनाऊंगा। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप उससे पूछें कि डायमेंशंस कौन सी चाहिए आपको। अगर वो कहता है कि एनी वट एवर यू प्रेफर, तो मैं फिर लैंडस्केप एक बना के दे दूंगा। और अगर वो कहता है कि मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करनी है, सो आई विल मेक दैट डायमेंशन। मूविंग ऑन, वट फॉर्मेट द फाइनल वीडियो यू प्रेफर, आप कौन सी फॉर्मेट के अंदर, कौन से फॉर्मेट के अंदर वीडियो चाहेंगे। फाइनल जो सा भी रेंडर होगा मेरा, वो कौन सी फाइल के अंदर होना चाहिए। माइट इट कैन बी इन MP4, AVI और क्विक टाइम। आई हैव रिटन दिस दीज थ्री इन द मल्टीपल च्वाइसेस, मैंने उसको च्वाइस रखी हुई है कि आप इन तीनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, या तीनों में से कोई दो, या तीनों चूज़ कर सकते हैं। ये किस तरह होता है, हम मल्टीपल च्वाइस किस तरह देते हैं। एज आई क्लिक ऑन एड न्यू क्वेश्चन, और इधर मैं क्वेश्चन कोई भी लिखता हूँ, वट इज़ योर नेम, इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल। सो और नीचे आप देखें फ्री टेक्स्ट है, और उसके ये जो सा बॉक्स बना हुआ है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और ये एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये तीन ऑप्शन आते हैं मेरे पास, फ्री टेक्स्ट, मल्टीपल च्वाइसेस और अटैचमेंट। अटैचमेंट अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आप वो अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट उससे ले सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल च्वाइसेस कोई ऑप्शंस हैं तो उनमें से किसी ने चूज़ करना है बायर ने, सो आप वो दे सकते हैं। और अगर फ्री टेक्स्ट आपने करना है कि लॉन्ग पैराग्राफ के अंदर अगर उसका आंसर है, तो आप फ्री टेक्स्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल सिंपल। तो आपने ये चीज़ें जो उनसी मैंने आपको बताई हैं, दीज क्वेश्चन आर गोना बी रियली अट्रैक्टिव टू वर्ड्स बायर। ये आपका कनेक्शन बिल्ड करेंगे बायर के साथ, और बायर भी कंसर्न होगा कि यार इस बंदे ने मुझसे इतनी इन्फॉर्मेशन ली है, दिस इज़ बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और ये जितना अच्छा अंडरस्टैंड करेगा, उतनी अच्छा ये प्रोड्यूस कर पाएगा। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट कि आप ये वाले क्वेश्चन जो उनसे वो ऐड करें, ताकि बायर जो उनसे उसके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सके, और फिर उसके बाद फ्यूचर रिलेशन जो उनसे वो बिल्ड रहे, और बार बार वो बायर आपके पास आता रहे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सेव करना है, और फिर आप गैलरी वाले ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे। सो वी आर गोना लुक फॉर द गैलरी इन द नेक्स्ट क्लास। यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, जिसके अंदर हम गैलरी और फिर उसके बाद पब्लिश करेंगे आर्ट पर्स के। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।